सांसद जवाब दो हिसाब दो कार्यक्रम के अंतर्गत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पालमपुर में सांसद शांता कुमार के निवास स्थान का घेराव किया। इस पुतला फूकने को लेकर पुलिस तथा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दृष्टिगत प्रशासन तथा पुलिस बल पहले ही चौकन्ना था तथा रैली के साथ तथा शांता कुमार के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था। जैसे ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शांता कुमार के आवास के बाहर पहुंचे, उन्होंने जमकर नारेबाजी की तथा मोदी सरकार पर युवाओं से धोखाधड़ी करने का आरोप तक लगाया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसी मध्य जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी मध्य दोनों पक्षों में झड़प हो गई। लंबे समय तक दोनों पक्ष छीना चपटी करते रहे। इसी मध्य युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो बार पुतले को आग लगाने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने आग बुझा दी तथा पुतला छीन लिया, जिसके पश्चात युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी जारी रखी तथा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडर्स को हटाने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दृष्टिगत सड़क पर यातायात भी कुछ समय के लिए जाम रहा। कांग्रेस चंबा युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर नाकाम रही है, न ही रोजगार का बंदोबस्त किया और न ही प्रदेश में विकास को गति मिल सकी है। एक प्रदेश युवा कांग्रेस चाह रही है, जिसके बीजेपी ने पिछले चार दिनों में अपनी उपलब्धियां बताई। हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, हम पूरे प्रदेश के अंदर चार सांसदों का घेराव कर रहे हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप चार सालों में इस प्रदेश के लिए क्या करके आए। जैसे हमारे आदरणीय कांग्रेस चंबा के हमारे सांसद हैं श्री शांता कुमार जी, उन्होंने एक वायदा किया था कि जोगिंदरनगर बहुत रेट होगी, वो आज तक नहीं हुई। उन्होंने नौकरियों का वायदा किया था, आज नौकरियों का घटता स्तर हमें दिख रहा है। पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो डे बाय डे जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयलों की जो कीमतें हैं जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो नीचे गिरी हैं, जबकि हिंदुस्तान में भारत में जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में रोजमर्रा जिंदगी में जो हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है, परंतु इस सरकार की कोई भी उसकी तरफ सुध लेने वाला कोई नहीं है। वर्तमान में ये जो लोग हैं ये सिर्फ मीडिया तक हावी हैं और इनकी ना कोई ऐसी योजना आई जिससे कोई प्रदेश का भला हो, इनकी कोई ऐसी योजना नहीं आई जिससे आम गरीब आदमियों का कोई भला हो, इनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं आई जिससे आम जनता को कोई फायदा हो। वर्तमान में जो हमारे सांसद महोदय हैं वो जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि हम ये करेंगे, हम ये योजना लाएंगे, आज तक प्रदेश में कोई भी एक बड़ी योजना को सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं, चाहे वो स्मिता जॉब की बात क्यों हो। जैसे स्मिता जॉब की बात शांता जी करते थे, वो कुछ नहीं हुआ। सर जो है आगे भी जारी रहेगा। आज तो हम शांता कुमार जी का व्यक्तिगत रूप से हमने एक घेराव करने की कोशिश की, परंतु अब जो अगर इस तरह सरकार फिर सुध नहीं लेती है आम जनता की, आम लोगों के बारे में, तो हमारा धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार ने कहा कि चुनाव सामने है लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पालमपुर सीट कांग्रेस के पास है, इसके बावजूद बाहर से आए हुए गिने चुने लोगों का शोर शराबा करना कांग्रेस की खस्ता हालत को दर्शा रहा है। बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, बहुत लोग होंगे और मैंने कहा था कि पानी का प्रबंध करो, सबको पानी पिला देना। तो मुझे जब पता लगा कि 30-35 लोग, उसमें भी अधिकतर बाहर के, स्थानीय लोग बहुत कम थे, तो मेरे मुंह से निकला कि बहुत शोर सुनते थे हाथी की धुन का, जो देखा तो रस्सी से घंटी बनी थी। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना, ये चुनाव की तैयारियां हो रही है और कुछ नहीं। इनके पास हमसे पूछने के लिए कुछ नहीं है। चार साल में पूरे देश में इतने बड़े काम हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस को चुनाव लड़ना है इसलिए वो आ रहे हैं। यहां कुछ देर ठहरते, कुछ बताते, तो ये तो एक तमाशा इनका है। और सबसे बड़ी बात है कि पालमपुर जैसे स्थान पर स्थानीय लोग, स्थानीय प्रमुख नेता न हो और अधिकतर लोग बाहर के हों, तो ये इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस की हालत देश में क्या है। तो मुझे तो दुख है कि मैं तो सबको पानी पिलाना चाहता था, मेरे घर आए थे तो मैं जो पानी पिलाता था वो भी नहीं पिया, और चुनाव पे तो कांग्रेस को जनता पानी पिलाएगी, तो मैंने कुछ विशेष नहीं कह रहा, कुछ विशेष नहीं कह रहा।